दिस असल गाइडिंग चैप्टर ट्वेंटी थ्री और इस पार्ट के अंदर हमने पढ़ना है रिगार्डिंग दी स्टिनोटिक एंड रीगोजिटेंट लियन्स हमने पढ़ना है रिगार्डिंग एटिक स्टिनोसिस एंड रिगर्जिटेशन रीगोजिटेशन माइटलोज एंड माइटल रिगर्जिटेशन अच्छा ये पढ़ने से पहले हम बेसिकली देख लेते हैं कि हार्ट की एग्जैक्टली exactly पोजिशनिंग किस तरह होती है चेस्ट कैविटी में स्पेशली विद रेफरेंस टू द रिब केज ठीक है तो हार्ट कुछ इस तरह पोजिशन होता है चेस्ट कैविटी के अंदर ओके okay? अब आप देखें तो exactly एग्जैक्टली पिछले लेक्चर मैंने डिस्कस किया था कि एक्जैक्टली exactly हार्ट बिल्कुल सीधा नहीं पड़ा होता ठीक है थोड़ा सा टेढ़ा पड़ा होता है ठीक है इस सेंस में पड़ा होता है कि दिस इज राइट एट्रियम एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल और ये बीच में एट्री राइट एट्री और वेंट्रिकल के बीच में ट्राइक स्पिड है एंड दिस इज लेफ्ट एट्रियम एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल ठीक है और ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच में ये हमारा है माइट्रल वैल्व अच्छा जब समझाने के लिए हम बात करते हैं तो फिर समझाने के लिए बात इस तरह करता हूँ मैं कि जी यहाँ से वेंट ये एट्रिया के नीचे वेंट्रिकल वेंट्रिकल के नीचे, वें नीचे यहाँ से आपकी ए ओटा निकल बट एक्चुअली ए को समझाने के लिए हम यू यूज़ करते हैं मगर ए नीचे से नहीं निकलती ए ओटा यहाँ से निकल रही है ये ठीक है किस तरह निकल रही है ये ये ओटा निकल रही है तो ये यहाँ से एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर ये ब्लड है और फिर यहाँ से एओटा निकल के इधर जा रही है और ये जो है ये आपका एओटिक वेल्व है ये जो है ये एओटिक वेल्व है ये वेंट्रिकल है लेफ्ट वेंट्रिकल और ये ए ओटा यहाँ से ये पीछे से गुजर के फिर यहाँ से गुजर के ये आर्च ऑफ एओटा बन रही है और यूँ जा रहा ठीक है तो ये आपका क्या है ए ओटिक और ये इस तरह एओटा यहाँ से यू ब्लड फिर यहाँ से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता तो ब्लड यूँ हो फिर आगे जाते ठीक है अच्छा सेम इज द केस विद के ये आपका राइट वेंट्रिकल है राइट right वेंट्रिकल के भी नीचे से यहाँ से बेसिकली पल्मोनरी आर्टरी नहीं निकल रही होती मगर पल्मोनरी आर्टरी ये निकल के ऊपर जा रही है और ये पल्मोनरी वैल्व है तो पल्मोनरी ब्लड फ्लो कुछ यूँ हो होता है मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से दिस एज एड ओके सो यहाँ से ये जा रहा है ब्लड फ्लो जैसी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तो ब्लड फ्लो ये पल्मोनरी वैल्व से गुजर के ये पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा ठीक है आपको पता है पल्नरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है तो दैट इसको ब्लू शो किया हुआ ओके तो ये हमारे पास अच्छा अब आगे हम देखते हैं कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है हार्ट तो हार्ट कुछ इस तरह कॉन्ट्रैक्ट करता है ये डाइस्ली होगी एसिस्टली फिर डाइस्ली फिर सिस्टली तो इस तरह करके हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है ओके अच्छा पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग हार्ट साउंड्स उस हार्ट साउंड्स को यहाँ पे चूंकि हार्ट की पोजीशनिंग एग्जैक्ट अब मैंने दिखा दिया तो यहाँ पे दोबारा दोबारा हम हार्ट साउंड्स को डिस्कस कर लेते हैं हार्ट साउंड जो है वो एग्जैक्टली जहाँ पे वेल्व है वेल्व के एग्जैक्टली ऊपर नहीं हार्ट साउंड आती जिस डायरेक्शन में फ्लो ऑफ ब्लड हो रहा होता है उस वैल्व के थ्रू तो उस डायरेक्शन में जाके हार्ट साउंड आती हैं फॉर इंस्टेंस माइट्रल वैल्व ये है तो माइट्रल वेल्व के क्लोज होने से जो आपकी फर्स्ट हार्ट साउंड आएगी एस आएगी आएगी जिसे हम लब कहते हैं वो जब आएगी तो एग्जैक्टली इसके ऊपर नहीं आएगी बल्कि इस डायरेक्शन में फ्लो ऑफ करंट हो रहा है ना तो इस तरफ ज़्यादा आएगी फॉर इंस्टेंस फर्स्ट हार्ट साउंड हमारी यहाँ पे होती है तो ये वैल्व है तो इस डायरेक्शन में फ्लो ऑफ ब्लड हो रहा है तो ब्लड जाके यहाँ पर लगेगा तो इस यहाँ पे एग्जैक्टली exactly फर्स्ट हार्ट साउंड ज्यादा आएगी और ये माइट्रल एरिया है कहते हैं ना माइट्रल एरिया है जी वो एपेक्स ऑफ हार्ट पे तो ये पूरा हार्ट है तो ये हार्ट तो की ये एपेक्स है दिस इज एपेक्स ऑफ हार्ट तो ये माइट्रल एरिया यहाँ पे बन जाता है अब ट्राइकस्पिड वेल्व अगर यहाँ पे है तो यहाँ से ब्लड निकल के इधर आके लगेगा तो ट्राइकस्पिड वेल्व यहाँ पर बन जाएगा इस एरिया में बन जाएगा ठीक है आप बताएं जी एओटिक वेल्व कहाँ होना चाहिए तो यहाँ से वेंट्रिकल्स ने फिर कॉन्ट्रैक्ट किया ये एओटिक वेल्व यहाँ पे है। एओटिक वेल्व जब ये बंद होगा तो फ्लो ऑफ ब्लड की डायरेक्शन ये थी तो वो भी इस डायरेक्शन में यहाँ पे जाके एओटिक वेल्व की साउंड सबसे अच्छी आएगी तो ये एओटिक वेल्व की साउंड आ गई इस जगह पर इस जगह पर जाके एओटिक वेल्व की साउंड आ गई पलमनरी वेल्व जब क्लोज होगा तो उसकी साउंड कहाँ पर आएगी तो ये फ्लो ऑफ ब्लड है पलमनरी डायरेक्शन तो उसके सामने यहाँ जाके पलमनरी वेल्व बन जाएगी फ्लो ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड की डायरेक्शन ये है तो यहाँ पर पलमनरी वेल्व की साउंड सबसे अच्छी आएगी तो इस पॉइंट पे माइट्रल वेल्व के क्लोयर की साउंड सबसे अच्छी आएगी इस पॉइंट पे ट्राइकस्पिड वेल्व के क्लोयर की साउंड सबसे अच्छी आएगी इस पॉइंट पे एओर्टिक वेल्व के क्लोयर की साउंड सबसे अच्छी आएगी और इस पॉइंट पे पल्मोनरी वेल्व के क्लोयर की साउंड सबसे अच्छी आएगी अब ये पोजिशनिंग कौन सी बन जाती हैं तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये वही बन जाता है ये सेकेंड रिब है तो ये सेकेंड एंडरकॉस्टल स्पेस है तो यहाँ पर सेंटर में अगर स्टर्नम है तो ये राइट सेकेंड एंडरकॉस्टल स्पेस पैरास्टर्नली और ये लेफ्ट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पैरास्टर्नली ये अगर हम देखें नीचे तो ये ये space, ये सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस ये थर्ड ये फोर्थ ये फोर्थ यूं नीचे जाकर इंटरकोस्टल स्पेस आएगी तो ये फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पैराटर्नली ट्राइक और माइट्रल की क्या पोजिशनिंग है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस ये ऊपर क्लेविकल यहाँ से यहाँ जा रही होगी तो मिड क्लेविकुलर लाइन के बिल्कुल मीडियली तो ये इन सारों की पोजिशनिंग है एग्जैक्टली इसी तरह उसकी रीजनिंग विद रेफरेंस टू द वैल्स और रिब केज वो हमने यहाँ पे बता दी ठीक हो गया सो so, ये तो आपकी पोजीशनिंग होगी अब बेसिकली हमने इसमें ये डिस्कस करना है अब इस लेक्चर में बेसिकली ये तो थोड़ा सा पिछले लेक्चर का ओवरव्यू था जो इसके साथ थोड़ा सा कॉन्साइड ओवरलैप कर रहा था बेसिकली इसमें हमने ये डिस्कस करने की ये आपका माइट्रल वैल्व है ये आपका एओटिक वेल्व है अच्छा ये खाली मैंने लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट बनाई है लेफ्ट एट्रियम बनाया है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल बनाया है और इस डायग्राम को गौर से देखने इसी के थ्रू आगे सारी स्टोरी चलेगी अब ये लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या आता है थ्रू दिस वैल्व ये ओपनिंग है ये माइट्रल वैल्व है और थ्रू दिस ओपनिंग लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा इंटू द एओटा ये फिर हम वो समझाने वाली बात करने लगे यहाँ पर असल में तो यहाँ ये एटक एटक वैल यहाँ की यहाँ पे बना हुआ है ना यहाँ से ऊपर होके ब्लड जा रहे हैं इनकी जिस तरह के यहाँ से ऊपर होके ब्लड जा रहे हैं अगले डायग्राम में ये वाला वेल नीचे मैंने बना दिया ताकि आपको समझना आसान रहे ठीक ओके okay? अच्छा जी अब अगर हम यहाँ से चलें तो ये सिंपल सी ये पिक्चर है हमारे पास ठीक है अब माइट्रल स्टीनोसिस की अगर हम बात करें माइट्रल स्टीनोसिस का मतलब होता है कि माइट्रल वैल स्टीनोज हो गया ये ये छोटा हो गया इसकी ओपनिंग जो बड़ी ये ओपनिंग छोटी हो गई ठीक है अब ये ओपनिंग अगर छोटी हो जाएगी तो अच्छा जब भी ब्लड जब भी मसला होता है ना चाहे माइट्रल स्टिनोस हो या माइट्रल रिगर्जिटेशन हो या एयोटिक स्टिनोस या रिगर्जिटेशन हो तो उसमें एक एबनॉर्मल हार्ट साउंड आती है स्टेथोस्कोप में फर्स्ट और सेकेंड हार्ट साउंड के साथ साथ एक एबनॉर्मल हार्ट साउंड आती है क्यों आती है वो एबनॉर्मल हार्ट साउंड क्योंकि जब भी ब्लड पास करेगा एबनॉर्मल वैल्व के अंदर से तो कोई एबनॉर्मल साउंड प्रोड्यूस होगा मिसाल के तौर तो पर माइट्रोस्नोसिस अगर है अगर इसको मैं वे इस वेल्व को टाइट कर दूँ तो इसके अंदर से जो ब्लड पास करेगा वो इस टाइट वेल्व से पास करते हुए और आगे जाके जब लगेगा तो यहाँ से पास करते हुए कोई साउंड प्रोड्यूस करेगा कोई एबनॉर्मल एडिटिव साउंड प्रोड्यूस करेगा जो कि नॉर्मली नहीं आएगी और सिर्फ माइटल स्टिनोसिस या रिगोजेंट मर्मर्स रिगोजेंट लियर्स में आएगी तो ये जो एबनॉमल साउंड प्रोड्यूस होती है बाय फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द एबनॉर्मल वैल्व इस एबनॉर्मल साउंड को हम कहते हैं मरमर एम यू आर एम यू आर मरमर ठीक है तो मरमर क्या होता है मरमर इज एन एबनॉर्मल साउंड प्रोड्यूस वन द ब्लड पासिस थ्रू एन एबनॉर्मल वैल्व फॉर इंस्टेंस टू पास थ्रू स्टीनोटिक वैल्वेंट वैल्व ठीक है अच्छा अब जब माइट्रल स्टिनोसिस होगा तो एबनॉर्मल साउंड किस वक्त आएगी जब ब्लड नीचे से ऊपर जाएगा या ऊपर से नीचे आएगा भाई स्टीनोसिस का मतलब है कि ये तंग हुआ हुआ है तो ऊपर से जब नीचे ब्लड आ रहा होगा तो उस वक्त कोई एडिटिव साउंड आएगी तो मरमर कब आएगा माइट्रल स्टीनोटिक के लियन में मरमर उस वक्त आएगा जब ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर आ रहा है और एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर कब ब्लड आता है डायस्टली में तो इसका मतलब है माइट्रल स्टिनोसिस की आवाज़ आएगी डायस्टली में तो माइटल स्टीनोसिस का जो मरमर की आवाज़ आएगी वो आएगी डायस्टली में तो माइट्रल माइट्रस्टिनोसिस का जो मरमर है माइट्रल स्टिनोसिस की जो एडिटिव साउंड है माइट्रल माइट्रस्टिनोसिस का जो मरमर है उसे हम कहेंगे वो डायस्टोलिक मरमर होगा क्योंकि वो आवाज डायस्टली में आ रही है डाइए जब रिलैक्स कर रहा है तभी ऊपर से नीचे आ रही है ना जब वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है वेंट्रिकल डायस्टली चल रही है तभी ऊपर से नीचे ब्लड आ रहा है ना तो माइट्रल माइट्रस्टिनोसिस का मरमर आएगा डायस्टली में ठीक है आगे चलो अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास है जी माइट्रल रीगर्जिटेशन माइट्रल रीगर्जिटेशन में ब्लड क्या मूव करता है रीगर्जिटेशन का मतलब है कि ब्लड रीगर्जिटेट कर गया है रीगर्जिटेट का मतलब है कि वापस आना कि ब्लड गया था वेंट्रिकल के अंदर अब ब्लड वेंट्रिकल से वापस ऊपर आ रहा है और वेल्व का काम था उस ब्लड को रोकने का मगर वैल्व इतना ढीला ढाला सा हो गया कि वैल्व वापस आते हुए ब्लड को रोक ही नहीं सकता तो माइट्रल रिगर्जिटेशन में ब्लड माइट्रल माइट्रोस्टिनोसो में तो ब्लड नीचे मूव करता था माइट्रल रिगर्जिटेशन में ब्लड ऊपर की तरफ मूव करते हैं ठीक है थीके? तो माइट्रल रिगर्जिटेशन में ब्लड वापस ऊपर की तरफ मूव करता है जो कि नॉर्मली नहीं करना चाहिए इसे माइट्रल वैव को ब्लॉक कर देना चाहिए था मगर चूंकि रिगर्जिटेंटलियन है माइट्रल वैव इतना ढीला ढला हो गया कि ऊपर जा रहा है ब्लड अब ये माइट्रल रिगर्जिटेशन किस वक्त आएगा हमें माइट्रल रिगर्जिटेशन कब होगी

अब हम देखते हैं एओटिक स्टिनोसिस एटिक स्टीनोसिस क्या होता है कि जब एयोटिक वैल्व स्टिनोस कर गया है एयोटिक वैल्व छोटा हो गया है तो अब ब्लड एटिक्सटीनोसिस कब कब आ, का मरमर कब आएगा जब ब्लड ऊपर से नीचे मूव करेगा तभी इसके तंग होने का मसला ज्यादा महसूस होगा ना क्योंकि बैक फ्लो तो वैसे ही नॉर्मली नहीं होता जब ऊपर से नीचे ब्लड मूव करेगा तो फिर एयोटिक स्टीनोसिस का मर, -मर आएगा ठीक है अब ऊपर से नीचे कब ब्लड मूव करता है ऊपर से नीचे से मुराद है बेसिकली इन दिस एग्जाम्पल कि वेंट्रिकल से एटा में कब मूव करेगा ये मैं कह रहा हूँ तो वेंट्रिकल से ओटा में कब मूव करेगा जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वेंट्रिकल कब कॉन्ट्रैक्ट करता है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है वेंट्रिकुलर सिस्टली में वेंट्रिकल सिस्टली होगी ब्लड यहाँ से आगे मूव करेगा टाइट से एटिक स्टीनोज वैल्व से गुजरेगा तो वास प्रोड्यूस होगी ठीक है अच्छा अब आगे देखते हैं एओटिक रीगर्जिटेशन एओटिक रीगर्जिटेशन में क्या होता है ब्लड ऊपर से नीचे जाता है या एओटा से वापस आता है ब्लड एओटा से ये तो स्टीनोसेस था ना री एओिक में ब्लड

हो जाता है. साथ ही है।, है जैसी वो करता है तो बैक फ्लो करने लगता है नॉर्मली तो एओटिक वैल्व क्लोज हो जाता है एयोटिक वेल्व क्लोज होकर ब्लड को वापस नहीं आने देता जब एटिक वेल्व क्लोज होकर वापस नहीं आने देता तो कोई साउंड नहीं आएगी मगर एयोटिक रीगेशन में एटिक वेल्व बहुत ही ढीला ढाला हो गया है जैसे ही वेंट्रिकुलर डायस्टली होगी तो साथ ही जो ब्लड वापस आएगा उसे एयोटिक वैल्व रोक नहीं सकेगा और वापस बैक फ्लो ऑफ ब्लड हो जाएगा रिगर्जिटेशन ऑफ ब्लड हो जाएगा थ्रू एओटिक वैल्व इसे कहते हैं एयोटिक रिगर्जिटेशन तो एओटिक रिगर्जिटेशन में भी मरमर आएगा वापस ब्लड फ्लो फ्लो ब्लड के वापस ऊपर जाने की वजह से कोई आवाज आएगी एडिटिव साउंड आएगी जिसे हम कहेंगे एयोटिक रिगर्जिटेशन का मरमर तो एयोटिक रिगर्जिटेशन का मरमर कब आएगा ड्यूरिंग डायस्टली जब वेंट्रिकल रिलैक्स कर जाएगा ठीक है अब यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि सिस्टली में ब्लड कहाँ मूव करता है नॉर्मली एक और तरीका भी है इसको याद करने का कि एओटिक रिगोजिटेशन का मरमर सिस्टोलिक है या एटिक स्टीनोसिस का मरमर सिस्टोलिक है अब देखते हैं सिस्टोलिक मरमर किस किस में आता है सिस्टोलिक मरमर का मुराद सिस्टोलिक सिस्टली का मुराद है कि ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है जैसी ये वेंट्रिकल ये नॉर्मल थे वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड को आगे भेजेगा नॉर्मली जैसे ही आगे को भेजेगा नॉर्मली तो आगे की तरफ भेजने में किसमें मसला आता है एयोटिक स्टीनोसिस में या में एओटिक स्टीनोसिस में इसके साथ साथ ब्लड आगे की बजाय ऊपर की तरफ भी जा सकता है जो नॉर्मली माइट्रल वैल्व बंद होकर वापस ऊपर को ब्लड नहीं जाने देगा मगर अगर माइट्रल रिगर्जिटेशन हो तो सिस्टली में ब्लड वापस ऊपर को भी जाएगा तो सिस्टली में हमारे पास ब्लड नीचे की तरफ भी मूव करने की कोशिश करता है ऊपर की तरफ भी मूव करने की कोशिश करता है ऊपर की तरफ नॉर्मली मूव नहीं करता क्योंकि वैल्व उसे नहीं मूव करने देता और नीचे की तरफ मूव कर देता है ठीक है तो सिस्टली में अगर कोई मरमर आ रहा है तो वो मरमर अब मुझे मैं स्टेथोस्कोप लगाता हूँ मुझे एडिटिव साउंड आ रही है ओके मैं देखता हूँ ये एडिटिव साउंड किस लम्हे पे आ रही है सिस्टली में आ रही है या डैसली में आ रही है एस वन और एस टू के, के बीच में आ रही है या एस टू और एस वन के बीच में आ रही है यानी कि एस वन के बाद आती है और एस टू से पहले आती है या एस टू के बाद और उससे अगली एस वन से पहले आती है ठीक है मैं कहता हूँ आवाज़ तो उसकी सिस्टली में आ रही है सिस्टोलिक टाइम के अंदर आ रही है अच्छा अगर यानी कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे है, तो इसकी आवाज़ आ रही है अब वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट करने से या तो ब्लड आगे की तरफ मूव कर सकता है या पीछे की तरफ मूव कर सकता है इसका मतलब है अगर सिस्टोलिक मरमर है सिस्टली में एक्स्ट्रा आवाज़ आ रही है तो वो या एटिक्सटिनोसिस की वजह से है या माइट्रल रिगर्जिटेशन की वजह से है ठीक है तो जो मरमर आ रहा है वो या तो एटिक्स टीनोसिस का या माइट्रल रिगर्जिटेशन का है ये एक याद करने का तरीका सिंपल दूसरा है अगर डायस्टली में आवाज़ आ रही है तो डायस्टली में ये जो है वेंट्रिकल ऐसे करके रिलैक्स ऐसे होता है ना कंट्रेक्शन में तो ऐसे रिलैक्स होता है जैसे ही ऐसे करके रिलैक्स होता है तो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा ब्लड नॉर्मली या एब नॉर्मली रिलैक्स करने में अगर यहाँ पे ओटिक वेल्फ सही तरह काम नहीं कर रहा ढीला ढाला हो गया तो वापस ऊपर की तरफ भी आ सकता है डायास्लिम अपनी तरफ नेगेटिव प्रेशर बनता है ना ये प्रेशर कम होता है तो अपनी तरफ खींचेगा ब्लड को तो ऊपर से नीचे आने वाला केसेज माइट्रल टीनोस और नीचे से ऊपर जाने वाला केसेज एओटिक्री ग्रेजुटेशन तो अगर मैंने स्टेथोस्कोप रखी है और मुझे एडिटिव साउंड आ रही है डायस्टली डायस्टली में तो इसका मतलब है कि वो साउंड या तो ए टिक्री की है ऊपर नहीं की वजह से या माइट्रल स्टिनोसिस की है एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर मूव करने की साउंड है ठीक है तो ये सारा कॉन्सेप्ट था एयोटिक रीगर्जिटेशन और माइट्रल रीगर्जेशन का डायग्राम से बेसिकली मैंने यही समझाया कि इसमें किस में मरमर आएगा और किस में सिस्टोलिक मरमर आएगा अगर याद नहीं रह रहा तो सिंपल याद रख लो सिस्टोलिक मरमर किस में आएगा एनोसिस और इसकी उल्टी चीज माइट्रल रीगर्जिटेशन डायस्टॉलिक मरमर किस में आएगा ए रीगर्जिटेशन एंड माइट्रल स्टीनोसिस ठीक हो गया ये एमसीक्यूज में आ सकता है आपको ठीक है ज़्यादातर ये क्लिनिकली जब मेडिसिन में है तो मेडिसिन में बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत और बहुत ज़्यादा इस पर पूछते हैं किसमेंटोिकॉलिक है किस मगर में में, किस में तो आपको भी चूंकि पेपर्स मोस्टली क्लिनिकली ओरिएंटेड आते हैं एटलीस्ट उनका कुछ ना कुछ परसेंटेज तमाम यूनिवर्सिटीज़ में क्लिनिकली ओरिएंटेड आता है तो आपको ये पता होना चाहिए आगे जाके इसको हम टेबल में डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा सो दिस इज द होल टेबल जिसमें कि हर चीज़ लिखी हुई है रिगार्डिंग द वैलवलर लियंस वैल्यूर लियंस चार तरह के हमने पढ़े हैं वन इज एओटिक्सटीनोसिस जिसमें वाल्व स्टेनोसिस हो गया है एओर्टिक रिगर्जिटेशन जिसमें रिगर्जिटेशन ऑफ ब्लड हो रही है फ्रॉम एओर्टा इनटू एओर्टिक सॉरी एओर्टा इनटू वेंट्रिकल्स माइट्रल स्टेनोसिस जिसमें के माइट्रल स्टी माइट्रल वाल्व स्टेनोस्ड हो गया है माइट्रल रिगर्जिटेशन जिसमें कि रिगर्जिटेशन ऑफ ब्लड हो रही है फ्रॉम वेंट्रिकल्स बैक टू द एट्रियम ठीक हो गया अच्छा अब इनके मर्मस कौन से सिस्टोलिक और डायस्टोलिक मरमर किसमें तो एयोटिक स्टीनोसिस में होता है सिस्टोलिक मरमर एयोटिक रिगर्जिटेशन में होता है डायस्टोलिक मरमर माइट्रल स्टीनोसिस में क्या होगा माइट्रल स्टीनोसिस कब की वाज कब आती है जब एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर मूव करेगा एट्रिया से वेंट्रिकल में कब मूव करता है ड्यूरिंग सिस्टली और डायस्टली ड्यूरिंग डायस्टली तो माइट्रल स्टीनोसिस में भी डायस्टोलिक मरमर माइट्रल रिगर्जिटेशन में क्या होता है ब्लड एट्रिया से सॉरी ब्लड वेंट्रिकल से एट्रिया के अंदर मूव करेगा तो वेंट्रिकल से एट्रिया में मूव कब कर सकता है जब सिस्टली हो रही होगी तो सिस्टोलिक मर्मर तो एओटिक स्टिनोसिस में सिस्टोलिक मर्मर है और माइट्रल रिगर्जिटेशन में डायस्टोलिक मर्मर है और एटिक रिगर्जिटेशन और माइट्रल स्टिनोसिस में डायस्टोलिक मर्मर है और इन दोनों में सिस्टोलिक मर्मर है ठीक है अच्छा अगर ये अभी तक नहीं समझ आई तो इसको सिंपली आप पॉज करो यहाँ पे और खुद से एक दफ़ा पेपर पेंसिल लेके सोचो कि कब से में ब्लड कहाँ मूव कर सकता है और डायस्टली में कहाँ मूव कर सकता है नॉर्मली एंड अब नॉर्मली ठीक है तो पेपर पे, तो इससे अगर नहीं समझ आई तो इससे आगे ना मूव करना इसी वक्त पॉज करो पेपर पेंसिल पकड़ो खुद से डायग्राम बनाओ और देखो कहाँ मूव कर सकता है और कहाँ पर मूव करना चाहिए आपको जैसी समझ आएगी बड़ा मजा आएगा ठीक है अगर या आप इसको पूरे अभी पिछले दस पंद्रह मिनट के लेक्चर को आप रिवाइंड करके भी देख सकते हो ठीक है अच्छा इसके आगे चीज़ें हैं जी कि करैक्टर कैसा होता है तो एओटिक वैल चूँकि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करके आगे भेज रहा है और आगे स्टीनोसिस हुआ हुआ है तो एओटिक स्टीनोसिस की ना सबसे ज़्यादा लाउड आवाज होती है हार्श और लाउड आवाज होती है ठीक है और माइट्रल स्टीनोसिस की चूँकि ऊपर से एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो सबसे ज़्यादा वीकेस्ट आवाज होती है भाई वेंट्रिकल एक जगह पर कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड आगे भेज रहा है एक जगह से वो वैल्व टाइट हुआ हुआ है और वहां से वेंटिकल जोर से कॉन्ट्रैक्ट करके भेजता है बहुत ज़्यादा लाउड आवाज प्रोड्यूस होती है दूसरी तरफ माइट्रल स्टिनोसे तो माइट्रल स्टिनोस में उतनी लाउड आवाज़ प्रोड्यूस नहीं होती बड़ी वीक आवाज़ प्रोड्यूस होती है बल्कि वीकेस्ट आवाज प्रोड्यूस होती है वीकेस्ट भी होती है और बहुत लो फ्रिकुंसी की होती है लो अ लो रंबलिंग मर्मर ठीक है अच्छा अभी एयोटिक रीगर्जिटेशन और माइट्रल रीगिटेशन में अगर हम देखें तो इन दोनों में कितनी जी स्विशिंग ब्लोइंग मरमर है स्विशिंग ब्लोइंग वापस जब ब्लड आता है तो स्विशिंग ब्लोइंग सी हाई पिच आवाज आती है हाई पिच या हाई फ्रीक्वेंसी एक ही बात है तो एओटिक रिग्रेजेशन माइट्रिक रिग्रेजन में एक जैसी आवाज ही आती है ब्लोइंग स्विशिंग हाई पिच हाई फ्रीक्वेंसी ठीक हो गया अच्छा अब बात यह है कि एओटिक्स टीन अब इन सारे लियंस की मैक्सिमम आवाज किस पॉइंट पे आएगी माइट्रल तो स्टीनोसिस की जो आवाज है ना और माइट्रल रिगर्जिटेशन की आवाज है वो तो माइट्रल एरिया में ही आती है माइट्रल एरिया कौन सा है वही फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस जस्ट मीडियली टू द दिट्रल लाइन ठीक है तो माइट्रल एरिया में ही आती है ठीक हो गया तो माइट्रल एरिया में ही आती है ठीक हो गया अच्छा और एयोटिक स्टीनोसिस और एयोटिक रिगर्जिटेशन की जो आवाज है तो एटिक स्टीनोसिस की आवाज एरिया में आती है जबकि एयोटिक रिगर्जिटेशन की आवाज लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर पे आती है ठीक है याद करने का जो तरीका है ना माइट्रल स्टिनोसिस और माइट्रल रिग्रेजिटेशन तो माइट्रल एरिया में आवाज़ सबसे ज़्यादा आएगी कोई मसला नहीं है जो जहाँ का है बैल्व है उसी एरिया में एओटिक स्टिनोसिस भी एटिक एरिया में सबसे ज़्यादा आएगी सिर्फ याद करने वाली कि एटिक रीग्रोजिटेशन क्या आएगी एटिक रीग्रेजिटेशन की आवाज़ सबसे ज़्यादा एटिक एरिया में नहीं आएगी बल्कि लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर पर आएगी ये बस याद रखना ठीक ओके अच्छा इसके बाद अक्सर ये भी होता है कि जी ये रेडिएट कहाँ पे करते हैं मरमर रेडिएट से मुराद है कि आपने स्टेथोस्कोप रखा है माइट्रल एरिया पे तो माइट्रल एरिया पे आपको मरमर आ रहा है तो आप कहेंगे अच्छा ये तो मरमर या माइट्रल स्टिनोसिस का है या ये मरमर माइट्रल रिगर्जिटेशन का है क्योंकि माइट्रल एरिया में फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस उपर, वहां पे, के ऊपर आपने वहाँ पर मिड क्लेवल लाइन के मीडल आपने वहाँ पर स्टेथोस्कोप रखा और आपको आवाज़ आ रही है जीबो सी फर्क सी आवाज़ आ रही है फर्स्ट और सेकेंड हाउटसप के अलावा भी जीबो गरीब सी आवाज़ आ रही है आप कहो अच्छा माइट्रल एरिया में तो कोई मरमर आ रहा है कोई एडिटिव साउंड आ रही है ये तो बड़ा मज़ेदार काम हो गया अब ये माइट्र स्टिनोसिस की आवाज़ है माइट्रल रिगोजिटेशन की आवाज़ है तो वो इस तरह पता चलेगा कि आप उसके बाद देखेंगे क्या ये मरमर कहीं रेडिएट कर रहा है यानी कि एग्जैक्टली सेम आवाज़ कहीं और भी आ रही है किसी और तरफ भी मूव कर रही है ये वाली आवाज़ तो आप अपना स्टेथोस्कोप रखेंगे एग्जिला में जाके अगर एग्जिला में जाके आपको आवाज़ आ गई है ना तो एग्जिला में सिर्फ और सिर्फ माइट्रल रिगर्जिटेशन का मरमर रेडिएट करता है ठीक है आपको पहले माइट्रल एरिया में आवाज़ ही आपने कहा माइट्रल माइट्रस्टिनोसिस है या माइट्रल रिगर्जिटेशन है फिर आपने अपना रखना है एग्जिला में अगर एक्जिला में वही आवाज़ आ रही हो यानी कि वही आवाज़ रेडिएट करके एक्जिला में भी जा रही है तो इसका मतलब है ये माइट्रल रिगर्जिटेशन का मरमर है क्योंकि माइट्रल रिगर्जिटेशन के मरमर की आवाज़ एपेक्स पे आती है यानी कि एपेक्स बीट पे आती है माइट्रल एरिया में आती है उसके साथ साथ वो एक्जिला में भी आवाज़ रेडिएट कर जाती है रेडिएशन रेडिएट कर जाती है जबकि माइट्रल स्टिनोसिस की आवाज़ एक्जिला में रेडिएट नहीं करती तो क्लिनिकली ऐसे ही चेक करते हैं कार्डियोलॉजिस्ट जाके चेक करते हैं जैसे जी माइटल एरिया में मरमर की आवाज़ आ रही है एक्जेला के अंदर सेतुस को रखा एक्जेला में आवाज़ नहीं आ रही वही एडिटिव साउंड जो भी जीप सी आवाज़ है ठीक है एडिटिव साउंड है वो नहीं आ रही तो माइटल स्टिनोसिस सिंपल अच्छा अब अगर एटिक एरिया में एडिटिव साउंड आ रही है मरमर आ रहा है तो वो मोस्ट लाइकली एटिक स्टिनोसिस का ही मरमर है ठीक है और ये वाला जो मरमर है ना एओटिक स्टीनोसिस का ये एओटिक एरिया के अलावा ये भी कहीं ना कहीं रेडिएट करता है ये पता है कहाँ रेडिएट करता है जिस तरह माइटल रिगर्जिटेशन का मरमर एक्जिला में रेडिएट करता था ना एटिक स्टीनोसिस का मरमर जो ओरिजिनली एटिक एरिया में आ रहा है वो रेडिएट करता है नेक में है। आप साथ ही जहाँ पे राइट सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस थी उसी के ऊपर आप अगर नेक के नेक में जाके स्टेथोस्कोप रखें बिल्कुल उसी के ऊपर तो वहां पे भी आपको एक्जैक्टली वैसे सी आवाज़ आ रही होगी तो आप क्योंकि ये तो यह बुरी जब बात है कि एडिटिव साउंड और कहीं नहीं आ रही है एक तो एटिक एरिया में आ रही है और वो आवाज़ पर नेक में भी आ रही है नेक में स्ट्रेक्स को रखते हैं तो वहाँ भी वो रेडिएट कर रही है एडिटिव साउंड तो इसका मतलब ये एटिक स्टिनोसिस का मरमर है एओटिक रिगर्जिटेशन का मरमर आता है लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर पर मगर वो कहीं भी रेडिएट नहीं करता ठीक है जिस तरह माइटल स्टिनोसिस कहीं रेडिएट नहीं करता सिर्फ अपनी माइटल एरिया में आता है इस तरह एओटिक रिगर्जिटेशन का भी कहीं रेडिएट नहीं करता अब ये जो दो मरमर रेडिएट नहीं कर रही ये वही दो मरमर हैं जो डायस्टोलिक मरमर हैं यानी कि जो सिस्टोलिक मरमर हैं जो सिस्टोलिक कॉन्ट्रेक्शन की वजह से आते हैं वो दूर तक तो आवाज़ जाती है इर्द गिर्द वाले एरियाज में भी जाती है और जो डायस्टोलिक मरमरज हैं दो एयोटिक रिगोजेशन माइट्रोसिनोसिस उनकी आवाज़ कहीं रेडिएट नहीं करती ठीक हो गया तो ये था आपका टी टेबल आप याद कर लो तो आपका पैथोलॉजी का और स्पेशली द मेडिसिन का जो क्लिनिकली ओरिएंटेड है वो सारे का सारा कवर हो जाता है ठीक हो गया अच्छा सिर्फ एक चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो आ, मैंने कहा कि जो मरमर प्रोड्यूस हो रहा है तो एक एग्जांपल दे लेते हैं हम एओटिक्स टीनोसिस की एओटिक्स टीनोसिस में एक्टली मैंने कहा जो एडिटिव साउंड है ये साउंड आती क्यों है उस उस टाइट स्टीनोसड वैल से गुजर रही है गुजरा है ब्लड तो उसकी फिर वो साउंड फिर प्रोड्यूस क्यों होती है तो उसको अगर आपको सवाल आ जाए कि क्यों प्रोड्यूस होती है आपने उसको लिखना किस तरह यूजअली इस तरह कम पूछते हैं कि एक्जैक्टली आती क्यों है तो आप इन वर्ड्स में आप लिख सकते हैं ठीक है तो पहली बात तो आप लिखेंगे जी कि एक एयोटिक्स में जो ब्लड है ना वो लेफ्ट वेंट्रिकल से एयोटा में मूव कर रहा है और मगर बीच में जो एयोटिक वैल्व है ना वो बहुत ही स्मॉल उसकी फाइब बहुत स्मॉल फाइब्रस ओपनिंग है अच्छा ठीक है अब चूंकि ओपनिंग बहुत स्मॉल फाइब्रस है तो इस वजह वजह से बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस आ रही है ब्लड को वहां से इजेक्ट होते हुए अच्छा जब रेजिस्टेंस आ रही है तो उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है वो बहुत ज्यादा जोर लगाता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल इतना ज़्यादा जोर लगाता है कि ब्लड प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इतना ज्यादा ब्लड प्रेशर हो जाता है कि अराउंड थ्री हंड्रेड मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक ब्लड प्रेशर चला जाता है ठीक है अब बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन हो गई है कि उधर से वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है कि आगे जो स्टीनोज टाइट वैल्व है उसके अंदर से हमने ब्लड को आगे भेजना है और स्टीनोज वैल्व के बाद जो एरिया यानी कि एटा क्योंकि उसमें ब्लड सही तरह नहीं आ रहा क्योंकि ऊपर तो स्टीनोसिस हुआ हुआ है तो एटा के अंदर प्रेशर बहुत कम होगा एओटा के अंदर प्रेशर बहुत कम है वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो अब जो ब्लड इजेक्ट करेगा ना एओटिक वैल्व के अंदर से वो बिल्कुल नोजल इफेक्ट कितना करेगा आपको पता नहीं जिस तरह की आप कोई पौधों को पानी दे रहे हो पाइप को और आप उसकी आगे उसकी टाइट कर दो उसकी नोजल को ठीक है आगे से हाथ रख के थम रख के तो फिर उसका एक नोजल इफेक्ट होता है और बहुत तेजी से वहाँ से पानी इजेक्ट करता है उससे पाइप से तो सेम इज द नोजल नोजल इफेक्ट होता है जिसमें कि ब्लड ब्लड जो बहुत तेजी से इजेक्ट होता है ठीक है और हाई वेलोसिटी से इजेक्ट होता है और वो ब्लड आगे जाके फिर एटा पे लगता है और एटा में टर्बुलेंस करता है ठीक है और इस टर्बुलेंस की वजह से बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होती है और एक बहुत लाउड एबनॉर्मल साउंड आती है जिसमें जिसे हम कहते हैं लाउड सिस्टोलिक मरमर ऑफ एटिक्स टीनोसिस ठीक ओके और ये इतनी ज़्यादा लाउड साउंड होती है और उसकी इतनी वाइब्रेशन होती है कि इस वाइब्रेशन को आप सेकेंड राइट सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस के ऊपर जहाँ एवटेक एरिया था उसके ऊपर आप हाथ रखें ना तो आपको हाथ के नीचे भी वाइब्रेशन महसूस होगी तो, तो यानी कि आप इस साउंड को पेलपेट कर सकते हैं हाथ रख के भी और जो मरमर पेलपेट हो जाता है हाथ हाथ रख के तो इस इसको कहते हैं थ्रिल इस फिनोमिना को कहते हैं थ्रिल यानी कि मरमर तो साउंड है ना अगर वो साउ उसकी वजह से जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है वो हाथ से पेल्पेट हो सके हाथ से महसूस हो सके तो उसको हम कहते हैं थ्रिल ठीक हो गया तो ये इस तरह आपका बेसिकली मरमर की आवाज़ प्रोड्यूस होती है कि हाई प्रेशर से जा रहा है फिर नोजल इफेक्ट है फिर जाके आगे वॉल पे लग रहा है फिर वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है उसको तो एक साउंड दे रहा है और स्पीड बड़ी ज़्यादा थी और हाथ से ही पैल्पेट कर सकते हैं उसको हम थ्रिल कहते हैं ठीक हो गया सो दिस इज इट अब अगले पार्ट में हम यही जो आपके स्टीनोटिक एंड रीगोहिजिटेंट लियन है उसका हम देखेंगे कि आपकी हिमोडानेमिक्स पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं सिंपल सा इफेक्ट सीधा से यही है कि चाहे रिगोजिटेशन है चाहे स्टीनोसिस है उन इन तमाम कंडीशन में कार्डिक आउटपुट लो होगी पीछे ब्लड पुलिंग शुरू हो जाएगी पलमोनरी एडिमा शुरू हो जाएगा ठीक हो गया और जब कार्डिक काड़ आउटपुट लो होगी तो बॉडी भी फ्लोइड ज़्यादा रिटेन शुरू करें तो ये दो तीन चीज़ें होती हैं अगले लेक्चर में इसे ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करते हैं ठीक है जी सी यू इन नेक्स्ट पार्ट